कुशीनगर पुलिस और तीन पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दो आरोपी और उप निरीक्षक आशीष सिंह घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पिकअप वाहन से 7 गायें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक लतवा नहर से 50 मीटर पहले NH 28 पर चेकिंग के दौरान पिकअप को रोकने की कोशिश की गई। आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गए, जबकि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गौ तस्करी करने बिहार जा रहे थे। नगर क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मुखबिरों से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गौ तस्करों की पटहेरवा क्षेत्र में और तरिया सुजान क्षेत्र में सक्रियता देखी गई है। इसी संदर्भ में एक संदिग्ध वाहन जो पिकअप था वो आता हुआ दिखाई दिया है पुलिस को। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया है। रोकने के प्रयास के क्रम में उसमें जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें दो अभियुक्त घायल हुए हैं, उनको गोली लगी है और एक अभियुक्त पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। इनके पास से पिकअप और पिकअप में जो समस्त गौवंश थे वो बरामद किए गए हैं। एक अवैध तमंचा है, कारतूस है और कुछ अन्य शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।